दोस्तों, पोल डेट यानी कि इलेक्शन के पहले दिन जब आप डिस्पर्सल सेंटर से सारे पोलिंग मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, ईवीएम को कलेक्ट करते हैं, तो डिस्पर्सल सेंटर में बैठ के ही आपको ईवीएम का कुछ चेकिंग आपको कर लेना है, क्योंकि ईवीएम मशीन से ही वोट होता है और मशीन में अगर कुछ खराबी है तो वोटिंग प्रोसीड्योर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो डिस्पर्सल सेंटर में बैठ के ही आपको ईवीएम में कुछ माइनर चेकिंग कर लेना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि कौन कौन से माइनर चेक्स आपको डिस्पर्सल सेंटर को छोड़ने से पहले वहाँ ही बैठ के आपको कर लेना है ईवीएम में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जो डिस्पर्सल सेंटर में जो हमें चेक करना ही है वो है ईवीएम, यानी कि पोलिंग सभी मटेरियल्स तो है, उसको आप लिस्ट वाइज मिला के देख सकते हैं। हमें मेन जो चीज़ चेक करना होगा वो है ईवीएम, यानी कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, क्योंकि इन तीनों के बगैर, इन तीनों में अगर कुछ भी खराबी हो तो आपका वोटिंग प्रोसीड्योर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें एक ना एक बार हमें डिस्पर्सल सेंटर को लीव करने से पहले हमें ईवीएम को एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। तो क्या हम ईवीएम को एकदम मतलब कि एक टेस्ट वोट देके देखें कि ईवीएम सही काम कर रहा है या नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैंडबुक है वहाँ पे साफ साफ गाइडलाइन दिया गया है कि आपको क्या चेक कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 29 पेज पे दिया गया है, देखिए, एक्शंस टू बी टेकन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। तो सबसे पहले देखिए, जो सभी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट जो कैरिंग केस है उनसे निकाल के सभी जो डिवाइसेस है उनको बाहर निकालना होगा। पहले देखिए, हमें बैलेट यूनिट कैसे चेक करना है। पहले तो देखिए, बैलेट यूनिट का जो ऊपर और नीचे कॉर्नर पे जो एड्रेस टैग लगा हुआ है, एड्रेस टैग देखिए एकदम सही है या नहीं, प्रॉपर सील किया गया है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये देखिए, एड्रेस टैग ऑफ वीयू टू इंश्योर वीयूज आर पर्टेनिंग योर डिजिग्नेटेड मतलब असाइन पोलिंग स्टेशन, मतलब कि जो एड्रेस टैग है, एड्रेस टैग में जो पोलिंग स्टेशन का नंबर और नेम लिखा गया है वो आप ही का, मतलब आपका जिस पोलिंग स्टेशन में असाइनमेंट हुआ है उसी पोलिंग स्टेशन का है या नहीं। उसके बाद देखिए, टैली द यूनिक आईडी रिटेन ऑन द एड्रेस टैग, मतलब एड्रेस टैग के ऊपर जो आईडी लिखा गया है वो आईडी और बैलेट यूनिट के पीछे आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट का एक आईडी या फिर बारकोड लिखा है, आईडी नंबर लिखा है, तो वो आईडी दोनों सेम है या नहीं। उसके बाद देखिए, पिंक पेपर सील ऑफ वीयू इज इंटैक्ट, मतलब कि बैलेट यूनिट में जो पिंक पेपर सील लगा हुआ है वो एकदम सटीक है, एकदम कोई भी उसको मतलब एकदम सही है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुआ है, फटा हुआ नहीं है, तो ये चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए, बैलेट पेपर इज़ इंस्टॉल प्रॉपरली, मतलब बैलेट यूनिट में जो बैलेट पेपर होता है मतलब जिसमें कैंडिडेट्स के नाम सिम्बल्स होते हैं, तो वो एकदम सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है, मतलब कि एक एक जो घर है एकदम सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट बटन अप टू नोटा आर अनमास्क्ड एंड रिमेनिंग बटन आर मास्क्ड, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि मानो कि अगर 5 कैंडिडेट है फॉर एग्जांपल, तो 5 बटन खुला हुआ होगा वोट देने के लिए, बाकी जितना भी बटन है तो 5 बटन यानी कि एक नोटा को मिला के 6 हो गया, तो 5 कैंडिडेट और एक नोटा यानी कि 6 बटन ओपन होना चाहिए जिसमें कि वोट दे सकते हैं, बाकी के जितने भी बटन से वो क्लोज रहेंगे, जो कभी भी वोट नहीं दे पाएंगे उन बटन को दबाकर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, थंब व्हील पोजीशन फॉर वन और फर्स्ट व्यू, यानी कि अगर आपके सेंटर में, पोलिंग स्टेशन में एक ही बैलेट यूनिट है तो उसका थंब व्हील को एक पर सेट होना चाहिए। अगर दो व्यू है तो पहला वाला एक पे, दूसरा वाला बैलेट यूनिट दो पे सेट होना चाहिए थंब व्हील को। तो ऐसे करके जितना भी बैलेट यूनिट है आपके सेंटर में मतलब पोलिंग स्टेशन में, तो उतना का
एकदम थंबनेल पे एक दो तीन ऐसे ऐसे करके जितना भी व्यू है उतना आपका थंबनेल में नंबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट को चेक करने के लिए फिर से सबसे पहले एड्रेस टैग को चेक करना होगा कि एड्रेस टैग एकदम सही तरीके से लगाया हुआ है या नहीं। एड्रेस टैग में जो पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम लिखा गया है वो आपको जिस पोलिंग स्टेशन में असाइनमेंट मिला है उस पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम लिखा है या नहीं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी जो कि एड्रेस टैग में लिखा है और कंट्रोल यूनिट के पीछे जो बारकोड या फिर यूनिक आईडी लिखा गया है दोनों सेम है या नहीं, इसको चेक कर लेना है। उसके बाद पावर पैक एंड कैंडिडेट सेट सेक्शन आर सील्ड प्रॉपरली विद एड्रेस टैग, मतलब कि पावर पैक का जो सेक्शन है और जो कैंडिडेट सेट सेक्शन से वो दोनों एड्रेस टैग द्वारा सील्ड है या नहीं प्रॉपरली, ये चेक कर लेना है। उसके बाद पिंक पेपर सील ऑफ सीयू इज इंटैक्ट, तो कंट्रोल यूनिट में भी जो पिंक पेपर सील लगा हुआ है वो एकदम सटीक है, कुछ भी फटा हुआ नहीं है, एकदम सटीक तरीके से दिख रहा है, ऐसा पिंक पेपर सील को भी चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए स्विच ऑन द सीयू विदाउट कनेक्टिंग टू बीयू एंड और वीवीपैट, मतलब कि सिर्फ सीयू का बटन ऑन करना है, वीवीपैट या फिर बैलेट यूनिट से कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। ध्यान दीजिए बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कनेक्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ कंट्रोल यूनिट का जो स्विच है उसको ऑन कर लेना है। ऑन करके चेक करना है सिर्फ बैटरी स्टेटस वहाँ पे हाई दिखाना चाहिए और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, मतलब कि बैलेट यूनिट में जितना भी कैंडिडेट्स का बैलेट पेपर लगा है और कंट्रोल यूनिट में जो कैंडिडेट नंबर दिखाएगा दोनों सेम होना चाहिए, बैटरी स्टेटस हाई होना चाहिए, तो ये ध्यान देना होगा। उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देना है, मतलब कि कोई भी वोट कास्ट नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। ध्यान दीजिए सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है, वीवीपैट बैलेट यूनिट को कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से करेंगे तो जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे वीवीपैट में टेस्ट स्लिप यानी कि 7 टेस्ट स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट होकर गिरते रहेगा, मतलब कि आपका जो पेपर रोल है वो नष्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए वीवीपैट को सीयू से या फिर बीयू को वीवीपैट से मत कनेक्ट कीजिए, सिर्फ सीयू का बटन ऑन कीजिए, बैटरी स्टेटस और कैंडिडेट नंबर को चेक कर लीजिए, सही है तो सीयू को ऑफ कर दीजिए, नहीं तो अगर ऑफ नहीं करते हैं तो बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए वीवीपैट को कैसे चेक करना है, वीवीपैट का भी सेम एड्रेस टैग को एक बार चेक कर लीजिए कि एड्रेस टैग सही तरीके से लगा हुआ है नहीं, सील है या नहीं। एड्रेस टैग में जिस पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम लिखा गया है आपका असाइंड पोलिंग स्टेशन का नंबर और नंबर सेम है या नहीं एक बार चेक कर लीजिए। वीवीपैट का यूनिक आईडी जो कि एड्रेस टैग के ऊपर लिखा हुआ है और वीवीपैट के पीछे जो यूनिक आईडी और बारकोड लिखा गया है दोनों सेम है या नहीं, इसको एक बार चेक कर लीजिए। पेपर रोल कंपार्टमेंट इज सील्ड प्रॉपरली, पेपर रोल कंपार्टमेंट जो कि वीवीपैट के पीछे की तरफ होता है वो प्रॉपरली सील्ड है या नहीं। पेपर रोल कंपार्टमेंट, ध्यान दीजिए पेपर रोल कंपार्टमेंट, पेपर जो स्लिप मतलब वीवीपैट का जो स्लिप कंपार्टमेंट है वो नहीं, पीछे जो मतलब ऊपर की तरफ जो नीले रंग का ढक्कन होता है वो प्रॉपरली एड्रेस टैग द्वारा सील्ड है या नहीं, इसको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए पावर पैक यानी कि बैटरी इंस्टॉल है या नहीं, पीछे की तरफ एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद वीवीपैट नॉब इज हॉरिजॉन्टल दैट इज इन ट्रांसपोर्टेशन मोड, मतलब कि वीवीपैट के पीछे की तरफ जो एक नॉब होता है मतलब कि पेपर रोल नॉब उसे कहते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी कि लॉक्ड है, मतलब कि आपका पेपर रोल है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपका मशीन अगर हिलता भी है तो पेपर रोल डिस्प्लेस नहीं होगा, उसमें कोई भी खराबी नहीं आएगा, तो इस वजह से उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए।
तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है या नहीं एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद एकदम नीचे फिर से लिखा हुआ है, देखिए, डू नॉट कनेक्ट वीवीपैट विथ वीयू और सीयू, यानी कि वीवीपैट वीयू सीयू आप कनेक्शन मत कीजिए, ये ध्यान दीजिए। चेकिंग करते वक्त डिस्पर्सल सेंटर में, डीसी सेंटर में, तो किसी भी मशीन का चेक, मतलब कि कनेक्शन मत कीजिए चेकिंग के दौरान। अगर कनेक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब कि वीवीपैट में नॉर्मली जो होता है 7 टेस्ट स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट होकर गिरता रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो एक्चुअल पोल होगा उस वक्त पेपर रोल की कमी आ सकता है, ऐसा पोजिशन हो सकता है। इसलिए आप कभी भी कनेक्शन मत कीजिए वीयू सीयू और वीवीपैट को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है, मतलब इनको चेक इस तरीके से आपको चेक करना है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईवीएम्स ऑलरेडी बहुत बार चेक होता रहता है, कमीशनिंग के दौरान भी कई बार चेक होता है। तो वीवीपैट वीयू सीयू इन तीनों को कनेक्ट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था। तो इस प्रोसीड्योर के मदद से इसमें जितना भी बताया गया है उतना ही चेकिंग कीजिए, इससे ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मिसमैच हुआ इसमें जो भी बताया गया, इसमें आपको लगता है कि अगर कोई भी मिसमैच हुआ है, तो आप उसी मतलब कि डिस्पर्सल सेंटर में जो इंचार्ज होंगे उनको इन्फॉर्म कीजिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के, सारे चीज़ को चेक करके, आपको डिस्पर्सल सेंटर यानी कि डीसी को लीव करके पोलिंग सेशन की ओर जाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, कुछ भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।